जय हिंद प्यारे साथियों, बात करने वाले हैं यूपी पुलिस में रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर एंड हेड ऑपरेटर के बारे में। अगर आपने इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई किया तो यहाँ पे आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट मैं देने वाला हूँ और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी जानकारी मिल पाए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट रेगुलर आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, देखिए सिलेबस के बारे में एक बार क्लियर कर लेता हूँ। हालांकि इसके बारे में हम बात कर चुके हैं लेकिन कुछ जो दो चीजें हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हर किसी को एक ही कंफ्यूजन है कि इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, क्योंकि जो इसका सिलेबस दिया गया उसमें ये तो बता दिया गया है कि इतने नंबर का आपका पेपर होगा, लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया है कि प्रश्नों की संख्या कितनी होगी। यानी उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि 2.5 घंटे का पेपर होगा जिसके लिए 400 नंबर आपको दिए जाएंगे। अब ऐसे में कन्फ्यूजन ये है कि प्रश्नों की संख्या 160 रहेगी या प्रश्नों की संख्या 200 हो जाएगी। तो देखिए अनुमान जो लगाया गया है वो ये लगाया गया है कि यूपीएससी का जो एग्जाम हुआ था 2 घंटे का पेपर था जिसमें प्रश्नों की संख्या 160 थी। अब ऐसे में यहाँ पे 2.5 घंटा समय दिया जा रहा है यानी प्रश्नों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो सकती है, तो ये माना जा रहा है कि लगभग यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 200 हो सकती है। लेकिन ये केवल एक अनुमान है, कंफर्म नहीं है कि ऐसा ही होगा। ऐसा भी हो सकता है कि भाई 12th लेवल के एग्जाम है तो 12th लेवल के एग्जाम के हिसाब से इसमें समय बढ़ा दिया गया हो, 2.5 घंटा कर दिया गया हो और प्रश्नों की संख्या 160 ही रखी जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो ज्यादा स्ट्रांग चीज दिख रही है वो ये दिख रही है कि शायद प्रश्नों की संख्या 200 हो सकती है। कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बस इतना फर्क पड़ेगा अगर प्रश्नों की संख्या आपकी 160 रहती है तो वहां पे हर एक प्रश्न के लिए आपको 2.5 नंबर दिया जाएगा। अगर प्रश्नों की संख्या आपकी 200 हो जाती है तो आपको हर एक प्रश्न के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे। हालांकि टाइम का भी थोड़ा सा मैटर रहेगा कि 160 प्रश्नों की संख्या रहती है और 2.5 घंटा समय दिया जाता है तो पेपर बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा नंबर लाए जा सकते हैं। फिलहाल जैसा भी है वो मैंने आप सभी को स्पष्ट कर दिया आपके सिलेबस के बारे में, चारों सेक्शन आई होप आप सभी को पता ही होगा जैसा यूपीएसआई का है सेम आपका उसी तरीके से यहाँ पे आपका सिलेबस दिया गया है। टोटल सभी के इक्वल इक्वल यहाँ पे क्वेश्चन होंगे, बस यूपीएसआई में आप सभी का मूल विधि संविधान आता था और यहाँ पे आपका साइंस रखा गया है समान विज्ञान, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी का कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे आपका हिंदी ले लीजिए या आपका रीजनिंग ले लें या मैथमेटिक्स ले लें, ये सभी सेम होंगे। बाकी का जो वेटेज रहेगा वो थोड़ा सा साइंस का आपका यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। अब देखिए बात आती है तैयारी को लेकर, क्योंकि हर कोई फिलहाल ऐसे में परेशान है क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं है हर जगह पे, क्योंकि ये जो एग्जाम है वो बहुत ही रेयर करवाए जाते हैं और इनकी तरफ ज़्यादा किसी का फोकस भी नहीं होता। अब ऐसे में जब वैकेंसी आ ही गई है और इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर दिए गए हैं तो ऐसे में जिन लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया है वो इसके लिए बेस्ट कंटेंट ढूंढ रहे हैं। तो आप सभी के लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ ये है कि हमने इस एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज तैयार की है जिसमें टोटल जो टेस्ट की संख्या है, टेस्ट सीरीज की संख्या है, वो रखी गई है 10। 10 इंग्लिश में मिलेंगे और 10 आपको हिंदी में मिलेंगे, यानी कि हिंदी इंग्लिश वाले किसी भी कैंडिडेट को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप हिंदी में देना चाहें हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में देना चाहें तो इंग्लिश में दे सकते हैं। यहाँ पे अच्छी बात ये रहेगी कि टोटल टेस्ट सीरीज आपकी रहेंगी 20, यानी कि अगर आप हिंदी में दे लेते हैं तो दोबारा से जाके आप उसी टेस्ट को इंग्लिश में भी दे सकते हैं, जिससे कि आपको री अटेम्प्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा हो जाएगी। तो पूरे आपके सिलेबस को देखते हुए, लेवल को देखते हुए उसी लेवल के क्वेश्चंस को यहाँ पे ऐड किया गया है। और आप सभी को बता दें इस टेस्ट सीरीज की जो कॉस्ट रखी गई है मात्र 99 रुपीज़, यानी 99 रुपये रखी गई है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक दिया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करके सपोर्ट करिएगा। क्योंकि देखिए मैं आप सभी को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि इस टेस्ट सीरीज की अगर मैं बात करूं तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे से बनाया गया है, क्योंकि मैं समझता हूं कि सभी लोगों को इसकी जरूरत है और जरूरत को देखते ही इस टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया गया है और बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज और आई होप आप सभी के एग्जाम को क्रैक करने में काफी आपकी मदद करेगी। तो टेस्ट सीरीज को जरूर परचेस कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर पे स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0 के नाम से हमारे एक एप्लीकेशन है, उसे जाके सर्च कर लीजिएगा। दो एप्लीकेशन है याद रखिएगा, स्टडी फॉर ड्रीम्स अलग है और स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0 अलग है। तो 2.0 वाले को जाके डाउनलोड करना है, वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको टेस्ट सीरीज नाम से। तो टेस्ट सीरीज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे 5-6 टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी। तो जो आपको रेडियो ऑपरेटर वाली है, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर और हेड रेडियो ऑपरेटर वाली, वो टेस्ट सीरीज वहाँ पे मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप उसे बाय कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये क्लियर हो जाती है। तो दूसरी बात अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि आपके एग्जाम को लेकर, तो देखिए आप सभी को क्लियर कर दें कि बहुत ही जल्दी आपका एग्जाम जो होगा ये कंडक्ट करवाया जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा देरी नहीं की जाएगी और पूरी उम्मीद है कि आपका जो एग्जाम होगा लगभग आपका जून के अप्रोक्स आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो आप सभी को अपनी तैयारी में जुटे रहना है, क्योंकि यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि अगर आपने अभी से तैयारी शुरू नहीं की
तो आप बहुत ही पिछड़ जाएंगे। उसका रीजन आप सभी जानते हैं कि इस एग्जाम में सबसे मेन चीज है ईच पर सब्जेक्ट 50% का जो क्राइटेरिया है वो बहुत ही बड़ी चीज है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करनी पड़ेगी ताकि ये जो अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा मौका है, वो आपके हाथ से ना जा पाए। और हम बेस्ट से बेस्ट कोशिश करेंगे आप सभी को एप्लीकेशन पर डेली इसके लिए जो मॉक टेस्ट वगैरह होंगे, क्विज होंगे, वो प्रोवाइड कराते चलेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी और भी बेहतर तरीके से हो, जिसमें आपके जो टॉपिक वाइज रहेंगे, जैसे साइंस का हो गया, जीके का हो गया, ये जो टॉपिक होंगे वो सेलेक्ट करके मैं आप सभी को वहां पे क्विज देता रहूंगा। तो जो भी क्विज वगैरह वहां पे एप्लीकेशन पे आए वो सभी क्विज आपको अटेम्प्ट करनी है। आई होप आप सभी के लिए ये बेनिफिशियल साबित होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि इन फ्यूचर आने वाली अपडेट भी रेगुलर आप सभी को मिलती रहे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।